अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज उन 10 लोगों के बारे में हम आपके सामने बात करेंगे कि जो अल्लाह तबारक व ताला को बिल्कुल भी नापसंद होते हैं, यानी ऐसे 10 लोग जिनको खुदा पसंद ही नहीं करता है। वो कौन से 10 लोग हैं? कुरान मुकद्दस की आयतों की रोशनी में आप इसे सुनिए, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारे अंदर या आपके अंदर अगर मौजूद है तो हम उसको निकालने की कोशिश करें, बल्कि निकाल ही दें, क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे अंदर होगी तो खुदा हमसे नाराज़ होगा। कौन कौन सी चीज़ है, आइए जानते हैं। नंबर 1, फसाद फैलाने वाले। अल्लाह तबारक व ताला सूरह मायदा में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 64, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, कि बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता है। फसाद कैसा? सिर्फ यही नहीं कि गोली से मार दिए, तलवार से मार दिए, यही फसाद नहीं। अगर आप ज़बानों से फसाद करते हैं, इनकी बात उधर, उनकी बात इधर लगा कर फितना पैदा करते हैं, फसाद पैदा करते हैं लोगों के दरमियान, झगड़े लगवाते हैं लोगों के दरमियान, तो अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो याद रखिए कि खुदा इस चीज़ को हरगिज़ पसंद नहीं करता है। नंबर 2, जुल्म करने वाले। सूरह आल इमरान आयत नंबर 140, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, कि बेशक अल्लाह ज़ालिमों को नापसंद करता है। अब जिनके अंदर भी ये चीज़ हो कि वो कमज़ोरों पर जुल्म करते हों, गरीबों पर जुल्म करते हों, सेठ हैं मज़दूर पर जुल्म करते हैं, सेठ हैं मजदूरी करवा लिए, मजदूर की मजदूरी नहीं दे रहे, ये उस पर जुल्म कर रहे हैं आप, काम के हिसाब से आप उसे तनख्वाह नहीं दे रहे, ये उस पर जुल्म कर रहे हैं आप, तो याद रखिए कि अल्लाह तबारक व ताला ज़ालिमों को नापसंद करता है। नंबर 3, हद से तजावुज़ करने वाले। सूरह बकरा आयत नंबर 190, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता है। हर चीज़ की एक हद होती है, एक दायरा होता है। अगर आप उस दायरे के अंदर हैं तो फिर आप एक अच्छे इंसान कहलाते हैं, एक अच्छे इंसान के तौर पर आपको जाना जाएगा, और अगर आप उस हद से बाहर चले जाएं तो लोग आपको गिरी हुई निगाह से देखते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। ये चीज़ हमारे मुआशरे में भी है। शरीयत का भी एक दायरा है, अगर उस दायरे में आप रहें तो अल्लाह पसंद करता है उन लोगों को जो उस दायरे के अंदर होते हैं, और जो लोग उस दायरे से बाहर भागते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को नापसंद करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, हद से बढ़ने वालों को खुदा पसंद नहीं करता है। नंबर 4, तकब्बुर करने वाले और शेखी खोर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह निसा आयत नंबर 36, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, जो लोग तकब्बुर करते हैं, शेखियां बघारते हैं, घमंड जिनके दिलों में होता है, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। किबरियाई, बड़ाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शायान शान है। बंदों में से किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो किब्र करे, तकब्बुर करे, घमंड करे। अगर कोई किसी भी चीज़ पर, कोई भी दौलत उसके पास है या कोई नेमत उसके पास है और वो उस पर घमंड करता है तो खुदा उस दौलत से उसे महरूम कर देगा, उस नेमत को उससे छीन लेगा, और फिर उस शख्स को अल्लाह जलील और रुसवा कर देगा, क्योंकि किबरियाई सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की शान है। नंबर 5, इसराफ करने वाले। अल्लाह ताला सूरह आराफ में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 31, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसराफ यानी फजूल खर्ची करने वाले। आप ज़रा देखिए कि हमारे मुआशरे में आज दिखावे के नाम पर जो है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के नाम पर किस तरह की ढकोसलेबाजी और दिखावा
हमारे माशरे में मौजूद है। लोग नमाज़ें भी दिखाने के लिए पढ़ते हैं, न जाने क्या क्या लोगों के अंदर ये दिखावा आ गया है, और फिर उसमें वो हद से बढ़ते हैं, इसराफ करने लगते हैं। हमारी शादियों में आप देखिए कितनी बेवजह के खर्चे हैं, ये सब कहाँ से फजूल खर्चियाँ हमारे माशरे में आ गई हैं। याद रखो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह तबारक व ताला इसराफ करने वालों को, फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता है। नंबर 6, खयानत करने वाले। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खवानन असीमा, कि जो लोग खयानत करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता है, उनको पसंद नहीं करता है। खयानत, आपके पास अगर किसी ने कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसे संभाल कर रखें, उसमें ज़र्रा बराबर भी खयानत ना करें। आपके पास अगर किसी ने अपना कोई राज राज के तौर पर राजदार समझकर बताया, अमानत गोया अपनी बातों की आपके पास रख दिया, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसे शो ना करें, किसी के सामने ना बताएं, क्योंकि ये अमानत में खयानत है। सिर्फ पैसों की ही हिफाजत करना ये अमानत नहीं है, बातों की भी हिफाजत की जाए, ये भी अमानत के दायरे में आती है। तो अगर आपको किसी ने अमानतदार समझकर अमानत आपके पास जिस चीज़ की भी रखी हो, पैसे से लेकर ज़बान तक, बातों से लेकर कोई भी चीज़ हो, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि उस अमानत में आप खयानत ना करें, उस अमानत को आप संभाल कर रखें। नंबर 7, बदअहदी। सूरह अनफाल में आयत नंबर 58 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, कि बेशक अल्लाह बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपने किसी से वादा किया तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि उस वादे को निभाएं, और अगर किसी मजबूरी के तहत ऐसा होता है कि वो वादा पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर सामने वालों वाले से आप उस चीज़ को बता दीजिए, धोखे में ना रखिए। जैसे मैंने आपसे वादा किया, आपसे कर्ज़ लिया था, मैंने वादा किया कि मैं 10 तारीख को आपको कर्ज़ा दे दूँगा, लेकिन हुआ ऐसा कि इंतज़ाम मैं नहीं कर पाया, तो आप माजरत कर लीजिए उनसे। आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उनसे कहें कि मैंने वादा किया था लेकिन इंतज़ाम नहीं हो पाया। जबकि वाकई ऐसा हो, ऐसा नहीं कि आपके पास है या आप देना ही नहीं चाहते हैं इसलिए आप डेट पे डेट दे रहे हैं, ये नहीं। इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, इंसान वादा खिलाफ़ नहीं होता। जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारना भी कोई ज़िंदगी है यार, इंसान बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, कि अल्लाह बदअहद इंसान को पसंद नहीं करता है। नंबर 8, घमंड करने वाले। सूरह नखल आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला, सूरह नहल आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि जो लोग घमंड करते हैं अल्लाह उन लोगों को नापसंद करता है। इतरा कर ज़मीन पर कदम मार मार कर चलने वाले लोगों को, सीना तान कर लोगों के सामने तकब्बुर के साथ चलने वालों को खुदा नापसंद करता है। नंबर 9, नाशुक्री और गुनाह करने वाले। सूरह बकरा आयत नंबर 276 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम, अल्लाह तबारक व ताला नाशुक्री और गुनाह करने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अल्लाह ने कोई नेमत दी, शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको नेमत से माला माल किया, आपकी ज़िम्मेदारी है कि शुक्र अदा करें। अगर इंसान है, गुनाह हो गए, तौबा इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों में ज़िंदगी ना गुजारें, क्योंकि अल्लाह गुनाहों में ज़िंदगी गुजारने वाले को पसंद नहीं करता है। नंबर 10, इतराने वाले। सूरह क़सस आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, कि बेशक अल्लाह इतराने वालों को नापसंद करता है। बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े हामान, कारून, नमरूद, न जाने कौन कौन आए, लेकिन खुदा ने कैसा जलील कर दिया, रुसवा कर दिया अपने आप को। वो सजदा करवाते थे, खुदा कहलवाते थे, लेकिन खुदा ने मामूली मामूली चीज़ों के ज़रिए इनको हलाक कर दिया, और दुनिया को बताया कि किबरियाई
सिर्फ खुदा की शायान शान है, उसके सामने सब जितने हैं सब मखलूक हैं, अल्लाह तबारक व ताला सबका खालिक है, सजदा उसी का हक है। लिहाजा किसी बंदे के सामने कोई इतराने की कोशिश ना करें। तो ये कुरान मुकद्दस की चंद आयतें थी कि 10 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो इसे निकालने की कोशिश करें और अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल होने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।